अब लोगों के मन में जो नारा है वो लगेगा, उसको आप कैसे रोक सकते हो और क्यों रोकना चाहते हो? हमारे नेता हैं साहब, आप में इसका समर्थन और असमर्थन क्या होता है? हमारे नेता हैं और इतने पॉपुलर नेता हैं, तो उनके विषय में तो कोई सवाल नहीं। प्रसन्नता दिखती है अशोक गहलोत जी की योजनाओं को देखकर, उससे हमें एक मन में भरोसा बनता है कि बिल्कुल इस बार फिर इस बार रिवाज टूटेगा और कांग्रेस की सरकार की योजनाएं यहां आई जन कल्याण की और कैसे लोगों को राहत मिली। हम तो उनको आमंत्रित भी करेंगे, आए यहां जरा दौरा करें, अपने वर्कर्स से मिलें, हमारे वर्कर्स से ना भी मिलें कोई बात नहीं, आम आदमी से मिलें, आम नागरिक से मिलें, उन्हें समझ में आ जाएगा कि कैसे गहलोत सरकार ने पिछले 5 साल में रिकॉर्ड तोड़ जन कल्याण योजनाएं। बीजेपी में केंद्रीय मंत्री आए थे और उन्होंने कहा था कि अशोक गहलोत जी के राज में सबसे ज्यादा दुष्कर्म की घटनाएं हुई है। मैं पिछले 10 दिन पहले AICC से हमने एक प्रेस वार्ता की थी जिसमें NCRB का डेटा हमने भी जारी किया था, और एक बड़ी अजीब सी विडंबना है कि इनकी अपनी सरकार का डेटा ये खुद नहीं पढ़ते। इनकी सरकार का डेटा बताता है कि यूपी में क्या हो रहा है, आसाम में क्या हो रहा है, अन्य राज्यों में क्या हो रहा है, और इसमें कोई कंपटीशन या प्रतियोगिता नहीं हो रही कि मेरी कमीज तुम्हारी कमीज से सफेद कैसे वाला हमारी मानसिकता नहीं है। अपराध अपराध होता है, गलत गलत होता है, लेकिन सरकार कितनी जागरूक है ये आप तुलना जरूर कर सकते हैं। अशोक गहलोत की सरकार ने जब भी इस तरह की कोई वारदात हुई त्वरित कार्रवाई करके एक उदाहरण पूरे देश को दिया कि कैसे सरकार को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। हम इनके जैसे नहीं हैं कि कठुआ में, उन्नाव में, हाथरस में कोई वारदात हो तो बलात्कारियों के साथ जाकर खड़े हो जाते हैं, तो कोई तुलना हो ही नहीं सकती इनके साथ हमारे। तो इस तरह की गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियां मंत्रियों को शोभा नहीं देता। आपने संसद की कार्रवाई देखी, 2 घंटे 13 मिनट प्रधानमंत्री का उद्बोधन सुना, हंसी ठिठोली कर रहे हैं, फूहड़ मजाक चल रहा है, नारेबाजी चल रही है, एक तरफ मणिपुर में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है वो भी आपने देखा। तो आप मुझे बताइए ये दानव मानसिकता नहीं है तो क्या है? महिलाओं के साथ, अपने देश की महिलाओं के साथ इतनी सरेआम बदतमीजी हो रही है, बदसलूकी हो रही है, बलात्कार हो रहे हों, और सदन में प्रधानमंत्री नेतृत्व कर रहे हो फूहड़ मजाक का, नारेबाजी का। इस देश के इतिहास में कई प्रधानमंत्री देखे हैं, अलग अलग पार्टी के प्रधानमंत्री देखे हैं, ऐसा प्रधानमंत्री कभी नहीं देखा जो इस तरह से एक तरफ देश का एक हिस्सा, एक कोना जल रहा हो और संसद में खड़े होकर मजाक, और वो भी हल्के स्तर के मजाक कर रहे हों। तो मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि आज जो लड़ाई चल रही है, जो संघर्ष चल रहा है, वो दानव और मानव का चल रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं। सर, राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे लगातार हो रहे हैं, कांग्रेस कितनी तैयार है? हम उनसे ये जानना चाहते हैं मणिपुर का दौरा कब करेंगे, जब वहां चुनाव होंगे तब करेंगे। जहां देखो प्रधानमंत्री वोट के लिए जाएंगे, प्रचार के लिए जाएंगे, और जहां देश में कोई मुसीबत आई प्रधानमंत्री का मुंह बंद, कान बंद, आंखें बंद और दौरे बंद। इस देश को एक जिम्मेदार प्रधानमंत्री चाहिए, एक प्रचार मंत्री नहीं चाहिए। मायावती जी को हम आंकड़े जरूर भेजेंगे, हमारे पराशर जी खड़े हैं, मैं इनको भी आग्रह करूंगा कि तमाम आंकड़े भेज दें। हो सकता है उनके पास तथ्य नहीं पहुंचे होंगे, हो सकता है आपकी अखबारें और आपका चैनल्स वो नहीं देखती होंगी, तो उनको ज्ञान नहीं होगा कि राजस्थान किस तरीके से कितनी योजनाएं यहां आई जन कल्याण की और कैसे लोगों को राहत मिली। हम तो उनको आमंत्रित भी करेंगे, आए यहां जरा दौरा करें, अपने वर्कर्स से मिलें, हमारे वर्कर्स से ना भी मिलें कोई बात नहीं, आम आदमी से मिलें, आम नागरिक से मिलें, उन्हें समझ में आ जाएगा कि कैसे गहलोत सरकार ने पिछले 5 साल में रिकॉर्ड तोड़ जन कल्याण योजनाएं लाए हैं। इस बार कांग्रेस कह रही है जल्दी टिकट वितरण होगा, क्या उम्मीद करें पवन खेड़ा का नाम पर लिस्ट आएगा? हां, नहीं नहीं, मेरा मेरे को जो पार्टी ने काम दे रखा है मैं उसमें बड़ा संतुष्ट हूं और मेरा प्रयास रहेगा कि उस काम पर मैं खरा उतरूं, ऐसी कोई नियत नहीं है।
कि राजस्थान से मैं चुनाव लड़ूं या कहीं से भी चुनाव लड़ूं। अशोक गहलोत जी की योजनाओं को देखकर उससे हमें एक मन में भरोसा बनता है कि बिल्कुल इस बार रिवाज टूटेगा और कांग्रेस की सरकार फिर से आएगी। मैंने देखा नहीं वो स्टेटमेंट, लेकिन इतिहास के साथ जो तोड़ मरोड़ की जा रही है, गांधी तक को इतिहास से धकेला जा रहा है, तो आप सोचिए कि इनकी नीयत क्या है और ये कहां जाकर रुकेंगे। इससे पहले इन्हें रोकना होगा। धन्यवाद। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यहां अगर 10 नेता हैं भाजपा के तो 11 ग्रुप्स हैं, क्योंकि एक आदमी डबल क्रॉस कर जाता है। तो अगर इतने गुट हैं जिस पार्टी में, वो कैसे चुनाव लड़ेगी, वो किसका चेहरा सामने रखेगी। सुना है कोई रथ यात्रा निकल रही है, उसमें भी लड़ाई चल रही है कि कौन बैठेगा रथ पर, है ही नहीं इनके पास चेहरे, तो इसलिए ये बाहर से चेहरे लाते हैं। मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, मैं ज्यादा नहीं बोलता, बेचारों पर मुझे दया भी आती है, उनको यूं ही अध्यक्ष बना रखा है, पीछे रख दिया जाता है उनको, और भी कई हैं। तो अशोक गहलोत जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि स्थानीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का है ही नहीं, बनने ही नहीं दिया गया, और आपसी लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ जो नुकसान हो रहा है वो सबको दिख रहा है, उसमें राजस्थान का जरूर फायदा होता है। देखिए, जहां मुख्यमंत्री बैठे हो आपके सामने, वहां इस तरह के सवाल नहीं होते। जब सवाल तब ऐसे तब उठते हैं जब हम विपक्ष में बैठे, जब हम यहाँ सत्ता में बैठे हैं, सरकार है आपके, पीसीसी प्रेसिडेंट आपके सामने हैं, अशोक गहलोत जी का चेहरा आपके सामने है, और जो हमारी प्रक्रिया है वो आप सब जानते हैं नेता चुनने की, तो उसमें फिर ये सवाल मुझे लगता है माने नहीं। इलेक्शन के बाद फिर तब फिर आऊंगा ना, तब पूछे ना, अभी क्यों पूछ रहे हैं। नारे लग रहे हैं मुख्यमंत्री जाते हैं, अब जो लोगों के मन में जो नारा है वो लगेगा, उसको आप कैसे रोक सकते हैं और क्यों रोकना चाहते हो? हमारे नेता हैं साहब, आप में इसका समर्थन और असमर्थन क्या होता है? हमारे नेता हैं और इतने पॉपुलर नेता हैं, तो उनके विषय में तो कोई सवाल नहीं होना चाहिए। इस तरह जिस तरह कानून व्यवस्था चरमराते हुए दिख रही थी, मुझे लगता है ये बहुत परिपक्व कदम उठाया गया। बीजेपी तो कह रही है हमने अभी न्याय यात्रा निकाली, उससे घबरा दीजिए सरकार। जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग बलात्कार तक में शामिल हो, उनको कुछ कहने का हक नहीं होना चाहिए। धन्यवाद और माफी चाहता हूं विलंब के लिए, क्षमा।